हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम शलवार कटिंग करना बताएंगे। यहाँ पर बेल्ट वाली शलवार की करेंगे कटिंग। जो हमारा ये कपड़ा है वो है 2.5 मीटर, ठीक है, कपड़ा है, और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, बेल्ट वाली शलवार है तो यहाँ पर हम जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 40 इंच। इसकी जो पौची पौचा यानी मोरी वो है 12 इंच, बेल्ट है 25 इंच, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ डबल करके इसे फोल्ड कर दिया है, उल्टी साइड है ये, अंदर है इसकी सीधी साइड। और इस तरीके से हम एक निशान लगा के इस कपड़े को जो भी आड़ा टेढ़ा होगा वो हम सीधा कर लेंगे इस तरह। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच। तो हम यहाँ पर लगाएंगे आधा इंच का एक निशान और अपने 7 इंच यहाँ पर इस तरीके से 7 इंच तक इंची टेप को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जो इसकी जो लंबाई है वो है 40 इंच, तो हम यहाँ पर 40 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ आधा इंच देंगे सिलाई मार्जिन, ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर एक लंबाई का निशान लगा देंगे। ये लंबाई का है और यह है मार्जिन का निशान। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारी मोरी है नीचे की वो है 12 इंच, तो 12 इंच पे यहाँ 12 इंच लिख देंगे और 6 इंच पे लगा देंगे निशान, यानी 12 इंच का हाफ। और यहाँ पर हम जो ये मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 1.5 इंच, और इसको हम बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे हम बेल्ट। तो यहाँ पर हम जो ये आड़ा टेढ़ा कपड़ा है निशान लगाए थे, इसको हम कटिंग करके निकाल देते हैं। उसके बाद में जो हमने ये निशान लगाया है लंबाई वाला, इस कपड़े को भी यहां से कटिंग कर देंगे। अब यहां पर जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था मार्जिन का, उसको हम यहां पर कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद में इसको हमें यहां पर भी 1.5 इंच का एक निशान लगाना होगा इस तरीके से, और निशान लगाने के बाद इसको करेंगे इस तरीके से क्रॉस। क्रास करने के बाद अब हम इस कली को यहां से कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों, हमारे यहां पर एक कली बन चुकी है। यहां पर लगाएंगे उल्टे सीधे के एक निशान दोनों साइड में, और यहां पर हम इस तरीके से इसके ऊपर कली रख देंगे पलट के। यहाँ पर आप जितना मार्जिन लेते हैं उतनी यहाँ पर कली को ऊपर रखना होगा। ऊपर रखने के बाद में इसको सही तरीके से बिछा लेंगे, और बिछाने के बाद हमारा यहाँ पर जो भी बाहर निकलेगा कपड़ा उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर पार्ट के नीचे हम एक लगा देंगे कट, जिससे हम यहाँ पर 4 कली बना सकें इस तरीके से सिलाई लगा के, ठीक है। आपको यहाँ 2 कली रखना है, 2 कली पर सिलाई लगा देना है। उसके बाद में एक यहाँ पर भी हम पार्ट के नीचे कट लगा देंगे, जिससे हमारी कली सीधी एक सिलाई लगा के तो हम 4 कली बना लेंगे। उसके बाद में हम यहां पर इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद यहां पर लगाएंगे हम 1/2 इंच का मार्जिन का निशान। जो हमारा बेल्ट का जोड़ाई होगी उसका मार्जिन लगेगा, और 7 इंच का हमारा है बेल्ट की चौड़ाई, तो 7 इंच हम निकाल देंगे ऊपर। और जो हम आसन यहां रखने वाले हैं उसको जहां पर सेट हो जाए, यहां पर करीब हमें 14 इंच आसन रखना होता है, ठीक है, तो हम यहां पर इस तरीके से 15 इंच पे आसन का निशान लगाएंगे और यहां से कट कर देंगे, क्योंकि हमारा यहां पर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन में भी चला जाता है, तो हमारा यहां पर कंप्लीट रह जाएगा 14 इंच, ठीक है। तो आप यहां 15 इंच पर निशान लगा सकते हैं, क्योंकि 1/2 इंच यहां पर जाएगा, 1/2 इंच यहां पर जाएगा सिलाई, तो आपका 14 इंच कंप्लीट रह जाएगा। तो हमें यहां पर हमने यहां पर कटिंग कर ली है दोस्तों। अब हमें कटिंग करना है बेल्ट, तो इसको हम हटा देते हैं एक तरफ को, और बेल्ट की जो हमारी लंबाई है वो है 25 इंच। तो इसमें कपड़ा है इस तरीके से, हमें अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहां पर हम बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से रखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1/2 इंच हम यहां पर सिलाई मार्जिन लेंगे, और 7 इंच का है हमारा बेल्ट, और 2 इंच का हमने लेंगे नेफे के लिए। तो दोस्तों, टोटल जो हमारा होता है वो होता है 9.5 इंच चौड़ा, ठीक है। तो 9.5 इंच पे हम यहां पर निशान लगा देंगे, और इसको कर लेंगे सीधा निशान लगा के।
तो दोस्तों नेफे का निशान लगाने के बाद में हमारे जो बेल्ट की जो लंबाई है वो है 25 इंच, तो हमें इसको नापना है 26 इंच, क्योंकि एक आधा आधा इंच हमारा दोनों साइडों में जाएगा सिलाई मार्जिन। तो हमें यहाँ पर 26 इंच का एक निशान लगा के और इसको कटिंग कर लेना होगा। तो दोस्तों हमारा यहां पर बेल्ट रह जाएगा कंप्लीट 25 इंच। तो दोस्तों यहां पर हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।